हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं पैकेज ऑफ सॉलिड सॉलिड इन थ्री डायमेंशन। अंडरस्टैंड, पैकिंग ऑफ सॉलिड इन थ्री डायमेंशन। हमने सिंपल वाली स्टडी कर ली थी लास्ट वीडियो में। अब जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को समझने से पहले ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप समझे हेक्सागोन में पैकिंग होती कैसे, मतलब एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी एटम्स नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि ये हो जाएगा हमारा हेक्सागोन। अंडरस्टैंड, और इसके अंदर कहीं पर ये आ जाएगा ट्राइंगल और उसके ऊपर एक आ जाएगा हेक्सागन। इट्स बिकम ऑक्टाहेड्रल, वी वर टॉकिंग अबाउट हेक्सागन। यस, ठीक। अब ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं वो लास्ट में जुड़ेंगे और जो फ्रंट वाले होंगे वो फ्रंट से जुड़ जाएंगे। इसमें क्या होता है, दो लेयर्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए मान लिया इसे, फिर एक बी होगी और एक सी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सी के केस में क्या होता है, सिमिलर लेयर आ जाती है जिसे हम ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके एटम्स जो रहेंगे वो यहाँ रहेंगे कॉर्नर्स पर लाइक दिस, और एक एटम रहेगा इसके बीच में। ठीक है, ऐसे क्या होगा, एटम्स यहाँ पर रहेंगे और एक एटम आ जाएगा इसके बीच में। फॉर एग्जाम्पल आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इसके बीच वाला एटम है, ठीक, वो कहां पर आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब इसके बीच में जो वॉइड्स बन रहा है, ये सा वाला, इसे हम वॉइड बोलेंगे। और ये वॉइड कौन सा होगा, ये वॉइड होगा टेट्राहेड्रल। मींस के जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें वॉइड्स जो बनती है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऊपर क्या आ जाता है, हेक्सागोनल प्लेन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का जो डिप्रेशन हो जाएगा वो कवर हो जाएगा और यहाँ पर वॉइड्स क्या बनेंगी, इस केस में एक प्लेन के केस में टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि यहाँ पर क्या होते हैं, हेक्सागोनल होता है, गनल होता है, और इसके कॉर्नर्स पर क्या होते हैं, एटम्स रहेंगे। और इन कॉर्नर्स पर एटम के साथ साथ जो ए लेयर है उसके बीच में यानी के मिड में भी एक एटम रहता है। अंडरस्टैंड, उसके बाद जो बी लेयर आएगी तो बी लेयर किस टाइप की है, कि वो एक ट्राइगोनल लेयर की तरह होती है, ठीक, जो क्या करती है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाए। इसकी जो सिमेट्री होती है कि यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये मार्कर है और मैं इसे यू करके रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो ये रोटेट करूंगा तो मैं ये रोटेट हो जाएगा कितने पर, पूरा वन, ये 360 पर रोटेट होगा क्योंकि ये गोल है, तो इस वजह से ये क्या होगा, 360 पर रोटेट होगा। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो अगर मैं इसे रोटेट करता हूं तो ये रोटेट कितने पर होगा, ये भी 360 पर होगा। लेकिन अगर हम इसे पूरे को सिंगल मान लें कि ये एक ही जैसा है, ठीक है, तब हम रोटेट करेंगे तो 180 पर क्या होगा, हमें सिमिलर सिमेट्री नजर आती है। इन दैट केस इसकी जो सिमेट्री होती है कि आप इसको 60 डिग्री पर घुमा सकते हैं हर बार, क्योंकि यहां से अगर हम इसे डिवाइड कर दें, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, तो 360 होता है एक पूरा सर्किट, और इसे अगर हम घुमाएंगे 60 डिग्री पर तो आपको हर बार क्या मिलेगी, सिमिलर सिमेट्री मिलेगी। तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो 6-fold सिमेट्री होती है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट है कि इसकी 6-fold सिमेट्री होगी, सिमेट्री होगी, और जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। मीन अगर आप इसे 60 डिग्री पर घुमाते हैं तो इसका एंगल जो आएगा वो 60 डिग्री ही आएगा। अच्छा जी, अब इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें,
कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 12, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। इन केस ऑफ व्हाट, इस केस में क्या होगा, 12 के केस में कि एक एटम जो होगा वो सराउंडेड बाय होगा 12 एटम्स, ठीक है। उसे हम काउंट भी कर सकते हैं, 6 हमारे ये हैं, ठीक है, 6 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 6 और 3 9। अब ऐसी ही एक लेयर क्या होगी, इसके जस्ट नीचे होगी, ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक ऐसी ही लेयर होगी। अब ये क्या होगा, ये सा वाला जो एटम, अगर हम इसे मैन एटम मान लें या फिर टारगेट एटम मान लें, तो अगर ये 6 एटम से यहां से अटैच्ड है और 3 एटम्स ऊपर वाले हैं और 3 एटम्स क्या है नीचे वाले हैं, इसलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है वो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अंडरस्टैंड, ये चीज इसके बारे में सीखनी। तो हेक्सागोनल के अंदर हमने सबसे पहली चीज देखी कि इसके अंदर क्या होती है, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग होती है। ए बी टाइप ऑफ पैकिंग होती है मीन्स कि जो पहली लेयर होगी उसके बाद जो बी लेयर होगी वो डिफरेंट टाइप से अरेंज होगी और उसके बाद जो लेयर्स आएगी वो फिर से क्या होगी, ए टाइप होगी। अंडरस्टैंड, तो ये लेयर इसी तरीके से इसके ऊपर चलती रहती है। तो इसमें ए बी टाइप, ए बी ए बी टाइप ऑफ पैकिंग होगी, फिर इसके कॉर्नर्स पर एटम होंगे और मिड में एक एटम और प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर ट्राइगोनल शेप बनेगी जो दूसरी लेयर की होगी और वो क्या करेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट करेगी। इसके बाद इसके अंदर 6-4 सिमेट्री होती है, 60 का एंगल बनता है हर तरफ से, जो हमने यहाँ पर देखा कि इसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। अंडरस्टैंड, इसके कुछ मेटल्स होती हैं जिसके अंदर जनरली ये बनता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं कि जिंक है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा, सम ऑफ द मेटल्स जिसमें क्या होता है, हेक्सागोनल पैकिंग पाई जाती है। अंडरस्टैंड, अब बात करते हैं हम इसके बाद क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में बात करते हैं। इसे फिर से एक बार समझने की कोशिश करना कि इसमें कोई इतना बड़ा चेंज नहीं होता, ये बिल्कुल सिमिलर है, बट इसके अंदर क्या हो जाती है, पैकिंग हो जाती है एबीसी, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग, यानी कि जो 3 लेयर्स आएंगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी और जो उसके बाद लेयर होगी वो क्या होगी, सिमिलर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे पहला हमने बनाया यहाँ पर हेक्सागन, जैसे पहले बनाया था, और ये आ गए हमारे इसके ऊपर एटम्स, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा एक ट्राइंगल लाइक दिस, और फिर से एक यहाँ पे बनेगा ट्राइंगल, और इसके ऊपर फिर से क्या आ जाएगा, एक हेक्सागन। गॉट इट। अब देखिए ये हो गए लेयर नंबर ए, फिर ये बी, ये सी, और ये क्या आ जाएगा, ए, वंस अगेन, ठीक। ये क्या है, डिफरेंट है। अब आप देखेंगे इसे तो हम क्या देखते हैं कि यहां से पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट तक आए तो हमने क्या देखा, इसमें ये आपको कुछ वॉइड लग रहा है जैसे हम पिछली बार बना रहे थे कुछ इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, दो लेयर्स बन गई है, एक तो एटम ये है, एक ये है, और इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर एक ये आ गया, ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक। तो ये कैसी वॉइड कहलाती थी, ये कहलाती थी हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि इसमें क्या होता है, जो लेयर्स रखी होती है वो एक दूसरे के ऊपर आती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। सिमेट्री सिमिलर ही रहेगी, इसमें ए बी टाइप ऑफ क्या होगा, पैकिंग पाई जाएगी, और इसका जो सिमेट्री होगी पॉइंट नंबर वन, सॉरी मैं यहाँ पे क्यूबिक लिखना क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर एबीएबी टाइप ऑफ पैकिंग पाई जाती है, अंडरस्टैंड, ठीक। तो इसमें एटम्स जो होंगे, पहली लेयर जो होगी हेक्सागन होगी, दूसरी ट्राइगोनल हो जाएगी, तीसरी भी ट्राइगोनल होगी, और चौथी जो आएगी हमारी कौन सी आ जाएगी, फोर्थ नंबर पर फिर से ए नंबर वाली यानी कि हेक्सागन आ जाएगी। तो ये सिमिलर करेस्पॉन्डिंग होती है। तो पहला पॉइंट था ए बी सी और ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग, टाइप ऑफ पैकिंग, अंडरस्टैंड। इसकी सिमेट्री जो होती है वो 3-fold सिमेट्री होती है, इसकी सिमेट्री 3-fold सिमेट्री होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर भी जो रहने वाला है वो 12 ही रहने वाला है,
कोऑर्डिनेशन नंबर, रिमेंस 12 इन दैट केस 2। सम ऑफ द एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजी है, पीटी है, एयू है, दिस टाइप ऑफ ऑल द मेटल्स फॉर्म द क्यूबिक क्लोज पैकिंग्स। यहां पर ये समझ रहे हैं आप कैसे 12 है, 6 ये रहेगा, 6 ये रहेगा और इसके नीचे जो लेयर आएगी इट विल लुक्स लाइक दिस, तो इट्स बिकम 12। यानी कि ये सवाल जो एटम है वो यहां पर 12 एटम्स के द्वारा घिरा हुआ है, लाइक दिस, अंडरस्टैंड। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगी, 12 ही हो जाएगी। ये होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अंडरस्टैंड। यहां पर लेयर्स कितनी हो जाएंगी, ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग होगी, और जो हमने हेक्सागोनल में पढ़ा था वहां पर ए बी टाइप ऑफ पैकिंग होती है। यानी कि हर जो दूसरी से तीसरी लेयर होती है हेक्सागन में वो क्या रहती है, सिमिलर रहती है। बट इन केस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर जो फोर्थ नंबर की लेयर होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हमारा जो पैकिंग ऑफ द सॉलिड थे वो कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे अबाउट द यूनिट सेल्स और देयर पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो प्लीज पे योर अटेंशन, और हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। उससे पहले अगर सिमेट्री के बारे में आप नहीं जानते हैं तो प्लीज कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो अबाउट द सिमेट्री और टाइप्स ऑफ सिमेट्री जो सॉलिड स्टेट में जनरली पढ़ी जाती है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी, एक्चुअली पैकिंग एफिशिएंसी में हम क्या करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी में हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना एरिया जो उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, यूनिट सेल के अंदर एटम प्रेजेंट है, वो उस एरिया को घेरे हुए। तो यहां पर क्या होता है, कितना एरिया एम्प्टी है और कितना एरिया घिरा हुआ है, उसके बारे में पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम स्टडी करते हैं और उसे कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। सम ऑफ द थिंग्स दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर दोज आर, जिसे ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं एज लेंथ को, ठीक। और यहां पर आर जो होता है वो होती है रेडियस ऑफ एटम, और डी होती है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में। तो पहले हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में, ठीक। तो हम क्या जानते हैं, अगर सिंपल क्यूबिक सेल ये है, कोई सिंपल क्यूबिक सेल हम जानते थे, सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, ये प्रिमिटिव टाइप है, तो सिर्फ जो एटम्स होंगे वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, ओनली ऑन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट। अब एक्चुअली होता क्या है, एक बात याद रखना बहुत ध्यान से, कि जिसमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो आप इसे यूं समझ सकते हैं कि एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे जानते हैं सॉलिड स्टेट में क्या होता था, सॉलिड स्टेट के केस में होता था कि जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंड रहते हैं, बिकॉज उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसकी वजह से क्या रहते हैं, क्लोजली बाउंड रहते हैं। फिर यहां पर ये रहे इसके एटम, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। अब इसके अंदर जो एज लेंथ की बात चल रही है, एज लेंथ होती है ए, ठीक। अब एज लेंथ के अंदर अगर हम दो एटम्स देखें तो हम इसके रेडियस आर और आर मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आर आएगा इसका, वो आर जो हो जाएगा बराबर किसने हो जाएगा, जो ए होगा वो बराबर होगा टू ए टू आर के, और अगर आर की बात करें तो बराबर हो जाएगा ए अपॉन टू, अंडरस्टैंड। ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर जैसे आर वन आर,
इसकी रेडियस वन एटम की और दूसरे एटम की रेडियस जो है वो इक्वल टू किसके है, इसकी एक्सिस या फिर एज लेंथ जो है उसके बराबर है। ठीक है, तो वन साइड की अगर हम एज लेंथ की बात करें तो वो क्या है, इसके बराबर है। अब जो क्यूब होता है उसकी चारों की चारों जो साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल रहती हैं, यानी कि ये सब के सब क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा पैकिंग इफिशियंसी के लिए, इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ पीई से, और सिंपल क्यूबिक सेल के लिए तो एससीसी। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा कि नंबर ऑफ एटम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, अंडरस्टैंड, और दूसरा होगा हमारे पास इनटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम। तो वॉल्यूम के बारे में बात करें तो जो एटम्स होते हैं उनका वॉल्यूम कैसा होता है, उनका वॉल्यूम कैसा होता है, क्योंकि वो गोलाकार होंगे मतलब गोल होंगे, तो हम उन्हें लिखेंगे 4/3 πr³। अंडरस्टैंड, और फिर आएगा कि पूरा क्यूब का वॉल्यूम, यानी कि जिस वॉल्यूम जिस क्यूब में वो एग्जिस्ट करता है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ द एटम्स कितने, तो जेड जो होता है हमेशा सिंपल के अंदर वन होता है, इसका टोटल वॉल्यूम 1/3 πr³ हो जाएगा, और जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है a³। तो यहाँ की वैल्यू जो आई है हमारी, उसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4/3 πr³, और नीचे हमने क्या किया है, हमने एट द प्लेस ऑफ a लिख दिया है 2r। ठीक है, क्योंकि हम जानते थे यहाँ पर ये जो पूरी लेंथ थी h की वो किसके इक्वल आ रही थी, 2r के इक्वल आ रही थी, तो यहाँ पर लिख देते हम 2r का क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा 4/3 πr³ का क्यूब, और नीचे वैल्यू आएगी हमारी 3 × 2 है तो ये हो जाएगा 8 × 2, और r जो है 3 टाइम है तो r का 3 आएगा। ठीक, अंडरस्टैंड, ये कट गए क्योंकि आर क्यूब जो है सिमिलर वैल्यू तो एक दूसरे से काट दिए जाएंगे, और 4 × 2 तो ये हो जाएगा π/6। हम जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 52.0, यानी कि 0.52% जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। अब हमें निकालना है इसे परसेंटेज। ठीक, तो इनटू क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो आएगी 52%, यानी कि जो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट्स होती है उसके अंदर 50% जो 52% जो एरिया होता है वो ऑक्यूपाई रहता है बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब हमें निकालना है कि वॉइड या उसके द्वारा कितना एरिया जो होगा वो वॉइड द्वारा ऑक्यूपाई रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं जो एरिया एम्प्टी रहेगा। तो अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, 100 − 52, और हमारा जो आंसर आएगा 58% एरिया जो होगा वो कैसा होगा, एम्प्टी हो जाएगा या फिर वॉइड का एरिया होगा वो कितना होगा, 48%। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लिकेशन 100 कर सकते हैं और परसेंट लगा सकते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्ट भी परसेंटेज में आ जाएगा, और चाहे तो आप इसे कैलकुलेट करके भी ला सकते हैं कि बाद में परसेंटेज निकाल कर बता दें। अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से क्या होती है, परसेंटेज इफिशियंसी निकल कर आ जाती है। तो हमारे लिए हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो एरिया ऑक्यूपाई रहेगा इस सिंपल क्यूबिक सेल में वो होगा 52%, एंड जो वॉइड या एम्प्टी एरिया होगा वो होगा 48%। तो लगभग लगभग आधा एरिया क्या रहता है इन सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर, एम्प्टी ही रहता है।